मैं ऋषि कुमार धीरे आप सबका स्वागत करता हूं मेरे वीडियो में। और आज हम लोग जा रहे हैं देवरी बांध। देवरी बांध बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है। चलिए चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं देवरी बांध को। और मेरे साथ है मेरा फ्रेंड मिस्टर अमृत रात्रे। और हम लोग दोनों जा रहे हैं आज देवरी बांध। चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसा जगह है। देवरी बांध जो है शक्ति से लगभग 15-20 किलोमीटर के आसपास है। चलिए चलते हैं और देखते हैं देवरी बांध। रोड बहुत शानदार है तो आपको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत बहुत शानदार रोड है। देवरी बांध जाने के लिए आपको शक्ति से कोरबा रोड पकड़ना पड़ता है और उसी रोड पे सीधे आते हैं और डड़ाई के पास एक चौक पड़ेगा, वहाँ से राइट साइड पे फिर से मुड़ना है, वो रास्ता देवरी बांध के लिए जाएगा। रोड बहुत शानदार है। यहाँ से मुड़ते हैं, ये गांव डड़ाई है और डड़ाई से मुड़ते हैं देवरी बांध के लिए। ये जो रास्ता जाएगा ये जाएगा देवरी बांध। यहाँ पर आप जाएंगे तो यहीं चौक पे ही यादव होटल पड़ेगा, यहाँ से आप नाश्ता वास्ता के लिए रख सकते हैं जैसे पिकनिक आते हैं तो। और यहाँ पर पान का ठेला है, हाँ परमेश्वर जी का पान ठेला है। तो यहाँ से चलते हैं हम लोग देवरी बांध के लिए। तो लीजिए दोस्तों, हम लोग आ गए हैं अब देवरी बांध में। ये जो आगे जो दिख रहा है वही देवरी बांध है, उसके आगे एक झील है उसी में ये बांध बना हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक छटा देखने लायक है। उस तरफ सामने तरफ जंगल है। कैसा लग रहा है अमृत? ये जगह है पिकनिक के लिए बहुत ही बढ़िया है और इतना अच्छा जगह है कि पूछिए मत। जहाँ पर देखो उधर पिकनिक स्पॉट लगा हुआ है, भाई बंधु लोग आए हुए हैं यहाँ पर पिकनिक के लिए और जब भी मौका मिलता है यहाँ भाई लोग जरूर आए एक बार। पूरा सामने जलाशय दिख रहा है आपको, देखिए बहुत बेहतरीन जलाशय है, बहुत साफ सुथरा पानी है यहाँ का। दोस्तों हमारे साथ यहाँ पर है संतोष चौहान। तो संतोष भाई कब बना था ये बांध? डैम बना था करीबन 1990 में, लेकिन यहाँ पर बहुत लोग आते हैं डेली। बहुत अच्छा जलाशय है यहाँ पिकनिक बनाने के लिए, बहुत अच्छा जगह है, बहुत उपयुक्त जगह है। और वो सामने तरफ कुछ लोग आए भी हैं पिकनिक बनाने के लिए। आप लोगों से निवेदन है कि आइए अपने डैम में और पिकनिक मनाइए, आराम से टूर कीजिए, हमारे लिए सौभाग्य का बात होगा। धन्यवाद दोस्तों। यहाँ पर दो छत्तीसगढ़ी फिल्म का शूटिंग भी हो चुका है, एक है ले चल नदिया के पार और दूसरा है मैं दीवाना तोर नाम के। तो इस तरह से ये जगह हालांकि उतना हाईलाइट नहीं हुआ है, लेकिन ये जगह बहुत महत्वपूर्ण जगह है क्योंकि यहाँ दो पिक्चर का शूटिंग भी हो चुका है। चलिए चलते हैं थोड़ा सा ऊपर, ऊपर देखते हैं। अच्छा यहाँ पीछे नीचे से जो रोड आई हुई है जहाँ हम लोग बाइक खड़ी की है वो ऊपर चढ़ के यहाँ आती है और यहाँ पर कुछ निर्माण स्थल बना हुआ है। मेरे पीछे जो ये जगह दिख रही है ये एक पिकनिक स्पॉट है, इसे पिकनिक के लिए ही बनाया गया है दोस्तों। यहाँ से आपको ये जो बांध का नज़ारा है पीछे तरफ ये बहुत अच्छे से दिखाई देता है। यहाँ आप खाना बनाते हुए बांध का नज़ारा भी ले सकते हैं और अपना पिकनिक भी एंजॉय कर सकते हैं। ये जगह बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुआ था, मैं चाह रहा हूँ कि इसके बारे में लोग जानें। और ये बहुत हरी भरी वादियों के बीच में है, ये जगह बहुत अच्छा लगता है। सीढ़ी है, सीढ़ी से चढ़ने के बाद सामने ये झील और इस झील में यहाँ पर आपके फ़ोटो शूट के लिए बहुत बढ़िया स्पॉट है। यहाँ पर आके आप झील के नज़ारे का आनंद ले सकते हैं और फ़ोटो शूट भी करा सकते हैं। क्या शानदार नज़ारा है, बहुत सारी गाड़ियाँ आई हुई हैं उस तरफ भी चलते हैं। तो इस तरह से कुछ ये जगह है दोस्तों, जहाँ पर हम लोग जैसे खड़े हैं उस तरह से आप लोग आके खड़े होके वीडियो शूट फोटो शूट करा सकते हैं। लग रहा है ना ये बेहतरीन जगह कि किसी आउटडोर लोकेशन पे आए हैं ऐसे जगह। और मज़ेदार बात यह है कि हमारे शक्ति के पास में ही है, शक्ति से 15 किलोमीटर के दूरी में ये जगह है। इस गांव का नाम है देवरी और देवरी में ही ये बांध बना हुआ है, इसलिए इस बांध को देवरी बांध बोलते हैं।
तो दोस्तों ये है बांध के पीछे तरफ का नज़ारा और इस तरह से है ये, और यहाँ आप नहाने का भी मज़ा ले सकते हैं कुछ इस तरह से ही, जैसे समुद्र में आप लहरा लेके नहाते हैं उस तरह से यहाँ भी नहा सकते हैं। कुछ लोग नहा भी रहे हैं पीछे तरफ, पिकनिक मना रहे हैं, डीजे वीजे लेके भी आए हुए हैं, सब अपना एंजॉय कर रहे हैं। सामने जो है ये पूरी की पूरी पहाड़ी है, बहुत बड़ी पहाड़ी है ये। तो दोस्तों इस तरह से है अपना देवरी बांध, और ज़्यादा दूर नहीं है, शक्ति के पास में ही है। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये देवरी बांध का नज़ारा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, तथा शेयर करिए अपने दोस्तों को फेसबुक और व्हाट्सएप पे। तो मिलते हैं दोस्तों इस तरह के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।